बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आकिब नहीं वर्स कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल आकिब गोल्ड रेट्स। तो आज हम इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करेंगे, गोल्ड के रेट के हवाले से बात करेंगे और एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट की बात करेंगे और डॉलर की बात करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट और डॉलर की वजह से गोल्ड के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो 2002.3 के करीब करीब इसने क्लोजिंग दी है, अपनी वीकली क्लोजिंग इसने ऊपर की तरफ दी है। और डॉलर का रेट जो है वो इस वक्त है 285.60। तो डॉलर का रेट जो है वो इस वक्त डिक्रीजिंग की तरफ है, लेकिन आने वाले वक्त में इसके बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर एनालिसिस की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट ने अपना जो वीकली क्लोजिंग दी है वो हाई होके क्लोजिंग दी है, 2002 के करीब इसने क्लोजिंग दी है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यहाँ पर अगर मार्केट जो है वो 2011 को तोड़ती है तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। 2034 से लेके इसने अपना 2022 को जो है ना, अगर इसने हाई लगाया तो वहाँ पर आपका जो है ना एक सेलिंग पॉइंट बनता है। लेकिन जो इस वक्त इसकी सिचुएशन जो चल रही है ना, नवंबर का आखिरी हफ्ता और दिसंबर का महीना जो है वो गोल्ड की जो एक अपनी जो इसकी पोजीशन होती है, इन महीनों के अंदर जो है गोल्ड वैसे ही बाइंग के अंदर होता है और इसका जो एक रूटीन वाइज चलता है इसका रेट वैसे भी रूटीन में ट्रेंड में इसका रेट बढ़ जाता है नवंबर के आखिरी हफ्ते में और दिसंबर के महीने में सोने का रेट जो है वो बढ़ जाता है। और डॉलर भी आने वाले हफ्ते में ऊपर जा सकता है। और दूसरी बात जो है वो चाइना के अंदर एक वायरस है जो कि कोरोना वायरस की तरह एक इंट्रोड्यूस हुआ है वायरस, और वो वायरस फैल रहा है। अगर उस हवाले से भी कहीं पर लॉकडाउन लगता है तो वो भी सोने के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकता है। और इसके ऑपोजिट साइड अगर देखें तो जो हमास और इसराइल का फैक्टर है, उस फैक्टर के वजह से भी कुछ न्यूज़ जो है ना गर्दिश कर रही थी कि वो जब मामला ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है। और इसके अंदर सच्चाई भी है, मार्केट जो है वो एकदम से $100 भी नीचे गिर सकती है। लेकिन इस वक्त वो फैक्टर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ठंडा हो चुका है। कुछ मुआहदात होने जा रहे हैं जिसकी वजह से जंगबंदी का फैसला हो सकता है, लेकिन उस वक्त उसकी वजह से मार्केट के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। मार्केट अपनी रूटीन से हटकर जो ऊपर गई थी वो वापस आने का नाम नहीं ले रही है। तो फिलहाल मैं आपको ये सजेशन नहीं देता हूँ कि आप जो है ना सारा सोना जो है ना बाइंग कर लें और सोने का रेट ऊपर जाने वाला है। यहाँ पर एक रिस्की बाइंग है। हाँ, अगर आप चांस लेना चाहते हैं शॉर्ट टर्म बाइंग के लिए तो आप यहाँ पर अपना 30-40% जो है ना गोल्ड बाई कर सकते हैं और अपना जो है ना प्रॉफिट टेक करके इस मार्केट से एग्जिट ले सकते हैं। और बहुत सारे भाई हमारे जो हैं, बहनें और भाई हमारे 2,25,000, 2,30,000 और 2,35,000 की बाइंग के अंदर फंस चुके थे, तो उन लोगों के लिए एक सुनहरी मौका आने वाला है। उसके हवाले से मैं उनको यही मेरी सजेशन है कि आपने सोने को नुकसान में सेल नहीं करना है, आप वेट करें। बाजू का सोने को आपको 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने भी होल्ड करके रखना पड़ता है। अगर जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है वो लोग वेट करें, सब्र करें, इंशाल्लाह उनको एक निकलने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा, एक बेहतरीन सिनेरियो मिलेगा उनको निकलने का। तो उन लोगों ने लॉस में जो है ना सेल नहीं करना है, सोने को वेट करना है। दूसरा, आप हमारी अगर व्हाट्सएप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, इस नंबर पर रब्ता करके हमारी व्हाट्सएप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि पेड सर्विस है। तो चलते हैं आज की गोल्ड के रेट के जानिब। आज की तारीख में सोने का रेट है 2,16,500 रुपये और रवे का पठूर का रेट है 2,14,000 रुपये। 22 कैरेट फीतोले का रेट है 1,93,940 रुपये। 21 कैरेट फीतोले का रेट है 1,87,250 रुपये। 18 कैरेट फीतोले का रेट है 1,60,500 रुपये। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त मार्केट $2,003 फी औंस के करीब है, और जबकि इंटरबैंक में डॉलर ने क्लोजिंग दिया 285.60। ओपन मार्केट में 288 रुपये का डॉलर है, और इस वक्त चांदी का रेट है 2,540 रुपये फीतोला। पिशावर में पक्के तोले का रेट है 2,25,000 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।